दोस्तों, क्या आपको भूतों से डर लगता है? अगर नहीं तो आज के इस वीडियो के बाद आपको जरूर लगेगा, इसलिए इस वीडियो को भूल से भी अकेले मत देखना। भारत की आजादी से पहले जब लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, तब उन पर इतने जुल्म किए गए कि कुछ भूत ही बन गए। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी रूह कंपा देने वाली। जहां 92 सालों से आज तक कोई ट्रेन नहीं रुकी, तो फालतू की बातों को छोड़कर जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांध लीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं कंकालगढ़, जो भारत के सबसे हंटेड रेलवे स्टेशन में से एक है। दोस्तों, कंकालगढ़ रेलवे स्टेशन की खौफनाक कहानियों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह है जो अंग्रेजों के द्वारा फैलाई गई थी, ताकि किसी के भी भीतर उनके खिलाफ विद्रोह करने की भावना न आए। लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ, अंग्रेजों ने ऐसी क्या अफवाह फैला दी जिससे 92 सालों तक वहाँ एक भी ट्रेन नहीं रुक पाई। खैर, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। कहते हैं 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद के शहीद होने के बाद 13 मार्च को विद्रोही किसानों से भरी हुई पूरी एक ट्रेन जो चानवी पर हमला करने के लिए इलाहाबाद की तरफ आ रही थी, उस ट्रेन को इसी स्टेशन पर अंग्रेजों ने रुकवा दिया। ट्रेन रुकने के बाद कुछ लोगों ने ट्रेन से कूदकर भागना चाहा, लेकिन अंग्रेजी सैनिकों ने उनको दबोच लिया। और अंग्रेजों की हैवानियत तो आपको पता ही है, इन लोगों ने पूरे गांव वालों के सामने ही उनमें से कुछ को पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी, तो किसी के शरीर पर पत्थर बांधकर उन्हें नहर में फेंक दिया। और इसके बाद जो लोग बचे थे उन्हें रेलवे लाइन पर लेटाकर उन पर ट्रेन चलवा दी गई। 1300 से ज्यादा लोग डिब्बे में ही जलकर राख हो चुके थे। यार, ये सब सुनाते हुए मेरी रूह कांप गई। जरा सोचो क्या बीती होगी उन पर। बताते हैं कि जब ट्रेन से जली हुई लाशें निकाली गईं, तो उनमें से बहुत सारी हड्डियां और कंकाल निकले थे। अब इन लोगों का अंतिम संस्कार तो ट्रेन के अंदर ही कर दिया गया, तो निकलना तो कंकाल ही था। भैया, लाश कहाँ से निकलेगा? लोगों में दहशत और खौफ पैदा करने के लिए आसपास के गांव से मजदूर बुलाए गए और उनसे गड्ढे खुदवाकर उन कंकालों को दफनाया गया। फिर उसके ऊपर इस स्टेशन की इमारत खड़ी की गई और इस तरह से वीरान पर कंकालगढ़ स्टेशन वजूद में आया। तब से लेकर आज तक लोग बताते हैं कि हर महीने की 13 तारीख को कंकालगढ़ स्टेशन पर बहुत सी अजीबोगरीब और रहस्यमयी घटनाएं घटती हैं। मैं सोच रहा हूं कि एक घटना आपके साथ शेयर कर ही दूं, ताकि आप वहां जाने से पहले सतर्क हो जाओ। अभी तो रुको, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। दोस्तों, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर जिसकी नई नई पोस्टिंग कंकालगढ़ में हुई थी, ये उसका दुर्भाग्य था कि जिस दिन वो ज्वाइनिंग के लिए पहुंचा उस दिन 13 तारीख थी। कंकालगढ़ तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई 166 साल पुरानी पुलिया। अरे भाई, ये कैसी बेवकूफ़ी है, ऐसे वीरान जगह पर स्कूल बनाने की जरूरत ही क्या थी? और जहां तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। ये क्या है? यहाँ दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता, खास तौर पर 13 तारीख को यहाँ पर लोग घरों से बाहर भी नहीं आते। उस टीचर को वहाँ पहुँचने पर अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जैसे तैसे उसने वहाँ पर 5 से 7 दिन गुजारे, लेकिन वो वहाँ रह ही नहीं पा रहा था, तो उसने वहाँ से अपना ट्रांसफर कराने का सोचा। थोड़े ही समय में उसकी ट्रांसफर की अर्जी मंजूर भी हो गई और जैसे ही वो वापस लौटने के लिए रेलवे स्टेशन पर वापस आया, तो वो उस स्टेशन से गायब ही हो गया। लोगों को सिर्फ उसका बैग और फोन स्टेशन पर मिला। आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो टीचर आखिर कहां गायब हो गया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या उसे वहां के भूतों ने गायब कर दिया, या फिर वो खुद ही कहीं चला गया? लेकिन उसे
खुद ही जाना होता तो वो अपना सामान और मोबाइल थोड़ी ना छोड़ के जाता। भैया मुझे तो लगता है भूत ही उठा के ले गया होगा। समझ रहे हो ना। दोस्तों यहाँ के लोगों के द्वारा बताया जाता है अंग्रेजों के द्वारा जिन लोगों को ट्रेनों में जला दिया गया था उनकी आत्मा आज तक उसी स्टेशन में भटकती रहती है। वहाँ रहने वाले लोगों की संख्या भी बहुत कम है। उस पूरे गांव में करीब 40 से 50 परिवार ही रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। वहाँ के लोगों को अजीबोगरीब आवाज़ें शाम के समय में सुनाई देती हैं। अगर आप वहाँ जाना चाहते हैं तो सोच समझ कर ही जाइए क्योंकि वहाँ जाना कितना खतरनाक हो सकता है वो तो आप जान ही गए होंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में वहाँ आत्माओं का डेरा है या फिर ये सिर्फ अफवाहें हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के और वीडियोज़ को भी देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देखने को मिल जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।